हैज का तारुफ, माहवारी या दौरे हैज। क्या आपकी उम्र 11 से 15 साल है? आपने महीने में एक मर्तबा अपने साथ ऐसा कुछ होता महसूस किया जिसे आप बयान नहीं कर पाती या समझ नहीं सकती? क्या आपको पेट में दर्द और तकलीफ का एहसास होता है? क्या आपके मिजाज में बदलाव आता है? क्या 3 से 7 दिन तक आपके जिस्म से खून का रसाव होता है? अगर इसका जवाब हाँ में है तो बराए करम खौफजदा या परेशान ना हो। औरतों का जिस्म इसी तरह काम करता है। ये चीज हैज कहलाती है, माहवारी और दौरे हैज के तौर पे भी मशहूर है। इब्तिदा में यह तजुर्बा आपके लिए खौफनाक हो सकता है, लेकिन ये मुकम्मल तौर पर एक कुदरती अमल है। आप खसूसी चीजों के जरिए सफाई सुथराई का खास ख्याल रखते हुए अपने रोजमर्रा के मामूल के मुताबिक काम कर सकती हैं। अहम बात यह है कि गुस्ल लें। हमेशा हमाम या लेट्रीन के इस्तेमाल के बाद खाना पकाने और खाने से पहले और बाद में अपने हाथों को अच्छी तरह धोएं। हिफ्ज़ाने सेहत से मुतल्लिका कुछ खास चीजों के जरिए खून को जज्ब किया जा सकता है। ये चीजें खून को आपके लिबास पे जाहिर होने से रोकती हैं। आप अपना दिन आराम से गुजार सकती हैं। दौराने हैज इस्तेमाल होने वाली अशिया, पैड्स, ये आयाम हैज में इस्तेमाल होने वाली मसनूआत हैं। टेम्पॉन्स यानी डार्ट लगाना या साफ कपड़े का इस्तेमाल अगर आप बाजारी मसनूआत इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। ये चीजें आराम से पहनी जा सकती हैं और खून को जज्ब करने में मुख्तलिफ तरीकों से काम करती हैं। हिफ्जाने सेहत के मकासद के लिए इन्हें बाकायदगी से तब्दील करें। हैज का अमल आपको रोजमर्रा के कामकाज से नहीं रोकता है, मसलन रोजाना हल्की फुल्की वर्जिश करें, इससे दर्द और तकलीफ से निजात या कमी में मदद मिल सकती है। बावर्ची खाने में रोजमर्रा के काम आम दिनों की तरह ही सरंजाम दें। हमेशा की तरह स्कूल जाएं। ज्यादातर खवातीन के लिए माहवारी कोई मसला नहीं है, खास तौर पे एक बार जब आपको इसकी आदत हो जाती है। लेकिन अगर आप फिक्रमंद हैं या नाकाबले बर्दाश्त दर्द या तकलीफ में मुब्तला हैं, तो अपनी वालदा से इस बारे में बात करें और डॉक्टर से मशवरा करने को कहें।